हेलो दोस्तों, माय मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो डिस्प्ले सॉकेट आता है, जो डिस्प्ले पत्ता में लगा हुआ सॉकेट रहता है, और या फिर बैटरी सॉकेट या फिर सब बोर्ड में जो भी सॉकेट यूज़ होता है, उसको अगर हम ब्लोअर से खोलते हैं तो आप देख ही चुके हैं कि कभी कभी वो पत्ता ख़राब हो जाता है। देखिए, ऐसा एक मशीन आया है मैकेनिक का, जिसका 900 MT6 है। तो ये तो अच्छे से काम करता है, अगर आपके पास है तो आप इससे खोल दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप कैसे ये सब जो पत्ते का कोई भी सॉकेट आप कैसे आराम से इजीली तरीके से खोल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, इसका रिपेयरिंग कर सकते हैं, वही आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं, सिंपली अगर आपके पास वो टूल है तो बढ़िया चीज़ है। देखिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि मैं मैकेनिक का वो टूल ख़राब है, लेना नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए उसको, अच्छा टूल है, हमने भी उस टूल को यूज़ किया है। लेकिन अगर फिर आपके पास टूल नहीं है तो आप कैसे ये सब सॉकेट आराम से एक नॉर्मल आयरन के मदद से भी खोल सकते हैं। जैसे देखिए, हम नॉर्मली इस आयरन को सिंपली जो सब बोर्ड है या फिर जो भी पीसीबी होल्डर है उसके साथ हम अटैच कर दे रहा है। देखिए, सिंपली कुछ नहीं, ये मेरा 25 वाट का एक आयरन है, ये कंपनी शायद ये सोल्ड्रोन का हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये सोल्ड्रोन का ये मेरा आयरन है, और इसको सिंपली हम देखिए देख सकते हैं हम कैसे इसको सिर्फ अटैच किया है, ठीक है। बस इतना अटैच करना है और कुछ नहीं। आप जो भी सॉकेट चेंज करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा पेस्ट दे के आप उस पत्ता को उस आयरन के ऊपर सिर्फ बैठा दीजिए। 10 से 15 सेकेंड वेट कीजिए। देखिए, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। 10 से 15 सेकेंड वेट करने के बाद हम सिंपली सॉकेट को खोलेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा। देखिए, मेरा सॉकेट जो है प्रॉपरली निकल गया है और मेरा पत्ता जो है वो भी कोई डैमेज हुआ नहीं, ठीक है। देखिए, अगर आप लगाएंगे तो भी सेम प्रोसेस है। अगर आप इसको ब्लोअर से लगाते हैं तो कम या फिर ज़्यादा हीट होने से जो सॉकेट है वो डैमेज हो जाता है, या फिर कभी कभी पत्ता भी डैमेज हो जाता है। तो हम आपको ये ट्रिक्स दे रहे हैं, आप इस ट्रिक्स को अगर फॉलो करेंगे या फिर ऐसे अगर आप किसी भी पत्ते का या फिर कोई भी बैटरी का भी हम दिखाएंगे, या फिर कोई अगर सब बोर्ड जो आता है उसका भी सॉकेट चेंज करके हम दिखाएंगे, आराम से आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए, हम उसको लगा के भी दिखाएं, अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे कि कोई बंदा पकड़ नहीं पाएगा कि आपने इसका सॉकेट जो है वो चेंज किए हैं, ठीक है। देखिए, हम थोड़ा उस पत्ता को वॉश करके, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रहा है दोस्तों। हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जूम करके दिखाने के लिए कि ठीक बैठा कि नहीं बैठा। बस अभी आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम नीट एंड क्लीन बैठा है, ना ही एक पिन टेढ़ा बैठा है या फिर ना ही कुछ टेढ़ा बैठा है, एकदम परफेक्ट बैठा है। देखिए, ऐसे ही हम बैटरी का भी सॉकेट चेंज करके दिखाएंगे, और ऐसे ही हम कोई भी सब बोर्ड का भी सॉकेट जो है या फिर डिस्प्ले कनेक्टर जो है या फिर पत्ता का कनेक्टर जो भी है उसको हम चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल में मोबाइल सॉफ्टवेयर रिलेटेड और ऐसे ही नया मोबाइल हार्डवेयर रिलेटेड ट्रिप एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं, और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगे या फिर आप इस प्रोसेस को यूज़ करके कोई भी पत्ते का सॉकेट आप सेफली चेंज करते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। देखिए, मेरा बैटरी कनेक्टर जो है उसको खोल के भी हम एकदम लगाए तो एकदम आराम से 100% ओके बैठा, ना ही कोई आयरन से उसको सोल्डर करने की ज़रूरत पड़ा, एकदम 100% एक क्लास बैठा है, ठीक है। अभी हम सब बोर्ड का भी दिखाते हैं। देखिए, जो भी ऐसा सब बोर्ड आता है आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी सब बोर्ड का आप ऐसा अगर काम करते हैं तो सब बोर्ड का पीछे फ्रेश होना चाहिए। अगर सब बोर्ड के पीछे कोई डायोड कैपेसिटर वगैरह रहेगा तो नहीं होगा, तो आपको ब्लोअर से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम ये देखिए मेरा ये खुल गया है, हमें फिर से इसको कर रहे हैं।
देखिए हम फिर से इसको सेट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस, सिर्फ थोड़ा पेज दिया है और इस सब बोर्ड को हम इसका ऊपर से बैठा दिए, ठीक है। और एक्चुअली ये सब बोर्ड है तो इसमें 15 सेकेंड नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आप 20 सेकेंड तक आप वेट कीजिए, ठीक है। आप कैमरा में तो पूरा पता नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन आप जब काम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप वो जो शोल्डर है वो जब गलने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि गल चुका है, ठीक है ना। आप देखते ही समझ जाओगे। देखिए सिंपली हम इसको अभी ट्राई करेंगे खोलने का। देखिए आराम से निकल चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी सब बोर्ड का, ठीक है, या फिर किसी भी पत्ते का, या फिर किसी भी बैटरी का जो सॉकेट है वो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास मशीन है, वो जो मैकेनिक का निकला है, जो टूल्स है वो है, तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं है तो विदाउट उस टूल से भी आप काम चला सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इधर का उधर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्रोफेशनल, एकदम सेम टू सेम होगा। जो उस मशीन का जो, या फिर वो भी वो जो टूल का जो काम है, आप सेम काम आप एक सिर्फ 25 वाट का आयरन से भी कर सकते हैं। यही इस वीडियो में बोलना था। वीडियो अच्छा लगे तो हम दोबारा बता रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो का नीचे कमेंट करना ना भूलें।